हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, हेलो माय फ्रेंड्स, जय माता दी और सभी लोग को माता रानी की तरफ से और मेरे ओर से जो है ढेर सारी बधाइयाँ और सभी की जो है उत्तर उत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। और माता रानी आप सभी की जो है दिन चौगुनी और रात दोगुनी करें। और यह है श्री माता वैष्णो देवी जो है अर्धकुंवारी मंदिर अपने साथी प्रियंका के साथ संपर्क करें। जय माता दी। और यही हो विशाल मंदिर है माता रानी की, श्री माता वैष्णो देवी जी की, जो कि यहाँ पे अपनी यात्रा के दौरान जो है जो आप देख रहे हैं सामने मंदिर, उस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में जो है गर्भगृह में वहाँ पे एक जो है गुफा है, छोटा सा वेरी कंजस्टेड केव है। उसी केव के अंदर जो है माता रानी जो है 9 महीने तक जो है रहकर जो है उन्होंने तपस्या किया था। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके दिन चौगुनी रात दोगुनी और उत्तर उत्तर प्रगति के कामनाओं के साथ में मैं अपनी जो है आगे की यात्रा शुरू करूंगा। जय माता दी। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से जो है दूर दराज तक, जम्मू भी जो है यहाँ से दिखाई देता है। और उस तरफ जो है रियासी है और ये जो है नीचे आप देख पा रहे हैं शहर कटरा है और आगे आप रेल लाइन दिख रहा है। जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं वो इन्हीं ट्रेन के द्वारा, इन्हीं रेल के द्वारा जो है कटरा तक पहुँच पाते हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये जो है गर्भजून के दर्शन करने के लिए जो है अपने कतार में जो है बैठ गए हैं। ये जो मेन भवन में श्री माता वैष्णो देवी के जो मुख्य गुफा है, मुख्य द्वार है, वहाँ पे दर्शन करके, मुख्य मंदिर में दर्शन करके, उसके बाद जो है भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद ये श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे ये लोग जो है कतार में, यहाँ जैसा मैंने आपको बताया ये मंदिर है, यहाँ पे जो है ये अर्धकुंवारी जो यहाँ पे माता रानी का जो गर्भजून है, गुफा है, गुफा के अंदर जो वेरी कंजेस्टेड केव है, यहाँ पे जो है माता रानी 9 महीने तपस्या करी थी। और ऐसी गर्भजून का दर्शन करने के लिए ये सारे जो यात्रु श्रद्धालु लोग जो आप देख पा रहे हैं ये अपने कतार में बैठे हुए हैं। तो ये जो अपने जो है पैरे का इंतजार करते हुए, जैसे हो सकता है इनको आधा एक घंटे के अंदर इनको जो है दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। और इससे आगे जो है ये केव टनल है, इसके बाद जो है भवन जाने का रास्ता है। आप अपने आगे की यात्रा जो है इसी टनल के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। जय माता दी।